सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी को करियर से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर गुरु जी में। मैं हूँ राजेंद्र बाजा। दोस्तों, आप ही में से किसी दोस्त ने कमेंट किया कि आप जेट के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर जेट के सिलेबस और कंप्लीट डिटेल दी हुई हो और साथ ही जेट का फॉर्म कैसे फिल किया जाए इसके बारे में भी वीडियो बनाएं। तो जेट के बारे में फॉर्म कैसे फिल किया जाए इसके बारे में वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी मिल जाएगा। और आप जेट का एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आप प्रिपेयर करें और जेट की एग्ज़ाम की लास्ट डेट कब है, दोस्तों इसी वीडियो का आप लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर जयपुर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करियर गुरु में। मैं हूँ राजेंद्र बाजा। आज मैं आपको जॉइन इंटरनेंस टेस्ट जेट 2018 जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर भी की उनमें प्रवेश के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर द्वारा हर वर्ष लिया जाता है। दोस्तों, जेट 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन और दूसरी जो है सेंट्रल इंस्ट्रक्शंस जो हैं एडमिशन के लिए वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में आप कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएफएससी ऑनर्स फिशरीज साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी आप ऑनर्स में कर सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं आप डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक कर सकते हैं आप फूड टेक्नोलॉजी में, और आप बीएससी एजी प्लस एमबीए एबीएम फाइवर इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जा रहा है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान द्वारा ये एग्ज़ाम किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबमिशन करने के लिए आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है 10th का मार्कशीट चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपका मूल निवास चाहिए, साथ में आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। जो फीस है वो 2800 रुपये है जनरल ओबीसी एसबीसी कैंडिडेट्स के लिए और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 1400। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हो 39% से अबव फिजिकली हैंडीकैप्ड हो उनके लिए 1400 रुपये फीस है। अगर कोई बैंक चार्जेज हो तो वो एक्स्ट्रा लगेगा। जो लाइबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो आप 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में, आप इनमें आपको 10+2 होना चाहिए या समकक्ष जो भी लेवल हो वो आपका होना ज़रूरी है। एक ज़रूरी सूचना इसमें यह है कि अगर आप डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पीसीएम से ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपको एग्ज़ाम देना होगा। दूसरा, आपका मिनिमम 50% मार्क्स आना ज़रूरी है 10+2 के अंदर। और अगर आप क्रिमिनल केयर या एससी एसटी और ओबीसी में अगर आप हैं तो आपको, या क्रिमिनल एयर में आप आते हैं एसबीसी में आप आते हैं तो आपको 5% जो है रिलैक्सेशंस हैं, जनरल कैटेगरी में रिलैक्सेशन नहीं है। जो एज क्राइटेरिया है वो 25 इयर्स हैं, आपकी एज हायर एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2018 को 25 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए और आपका जन्म जो है 1/1/1993 के पहले का नहीं होना चाहिए।
दोस्तों जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं, आपकी 10+2 की मार्कशीट आपको पास आउट आपको होना ज़रूरी है। अगर आप इस ईयर में अगर 10+2 में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका मार्कशीट जब आएगा तो आप एडमिशन के टाइम पे वो मार्कशीट वहाँ शो कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है यहाँ का सर्टिफिकेट आपको देना, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। और इसमें अगला है रिजर्वेशन सीट्स जो हैं वो राजस्थान के अंदर जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो रिजर्वेशन अप्लाई किया हुआ है सभी कॉलेज में जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन है। पहला विधवाओं के लिए रिजर्वेशन है जो डिफेंस में एक्शन के दौरान कैटेगरी फर्स्ट में जो आते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उस कैटेगरी में अगर डिसेबिलिटी में हैं तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है। इस प्रकार से अनेक कैटेगरी में हैं, अगर अवार्ड्स वगैरह विनिंग हैं उनके जो फैमिली में बेटे बेटी के लिए उनके लिए हो, अगर कोई सेवा मेडल प्राप्त किया हुआ है आर्मी सेक्टर में तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है। एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, सर्विस पर्सन के लिए रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन अप्लाई किए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं जेट का फॉर्म फिलिंग के लिए वो हैं, एग्ज़ाम फिलिंग जो स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च 2018 से एग्ज़ाम फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, और एग्ज़ाम फिल की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2018 है, और करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल 2018 है। जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फिल की स्टेप्स है, आपको सबसे पहले जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को आपको JPG या PNG फॉर्मेट BMP फॉर्मेट के अंदर आपको स्कैन करना है। उसके बाद में आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करना होता है। जो फीस डिपॉजिट्स हैं वो ऑनलाइन फीस डिपॉजिट हैं, आपका चालान जो कटेगा वो ऑनलाइन कटेगा। ऑनलाइन जो फॉर्म आप फिल करेंगे वो फॉर्म आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपका पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। दूसरा जो एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो फॉर्म फिल करने से ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप उसमें देख पाएंगे। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो RAUUdaipur.com के ऊपर अवेलेबल होगा, जो 15 मई से अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पर्सनली किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास में 5 ऑप्शंस होंगे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, आप किसी में भी 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर आपको डेयरी टेक और फूड टेक के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा। एग्ज़ाम जो होगा ओमार सीट के ऊपर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओमार सीट के ऊपर एग्ज़ाम होगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो 40-40 क्वेश्चंस होंगे सभी सब्जेक्ट्स के, जिसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। डेयरी टेक एंड फूड टेक के लिए आपको PCM में एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा, अदरवाइज आप उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा 11 बजे से मॉर्निंग में दोपहर 1 बजे तक एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा। कैंडिडेट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10 AM रहेगा, और कैंडिडेट जो है 10:45 के बाद में एग्ज़ाम में परमिटेड नहीं होगा, 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर का सिलेबस है, अगर ये सिलेबस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए लिंक्स पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कम्प्लीटली सिलेबस दिया हुआ है। लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डेट्स और बता देता हूँ, हम स्क्रॉल करते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ओमार सीट कैसे फिल की जाती है, आप नीचे देखिए ओमार के अंदर
लिंक के अंदर ओमार सीट डाउनलोड कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिटेल डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ग्लैंस आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 1 मार्च को जारी हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 1 मार्च है, लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। फॉर्म को एडिटिंग की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स अवेलेबल की जो डेट है वो 14 मई 2018 है। डेट जो है एग्ज़ाम की वो 20 मई 2018 है। ओमार सीट और आंसर की डिस्प्ले की जो डेट है वो 25 मई 2018 है। लास्ट डेट है जो ऑब्जेक्शंस अगर आपका कोई है तो वो 27 मई 2018 है। जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट्स हैं वो 5 जून 2018 है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन ओपिनियन फॉर्म जमा करने की वो 13 जून 2018 है, और एडिटिंग की 14 जून 2018 है। फर्स्ट जो प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जो जारी होगी वो 18 जून को होगी, और लास्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी वो 21 जून को जारी होगी। फर्स्ट की जो लास्ट एक्सेप्टिंग डेट है वो 21 जून है, और जो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होगी वो 24 जून को जारी होगी, और लास्ट एक्सेप्टेंस डेट जो है सेकंड लिस्ट की वो 27 जून है। थर्ड लिस्ट जो जारी होगी वो 30 जून को जारी होगी, और लास्ट एक्सेप्टेंस डेट जो है 3 जुलाई होगी। जो रिमेन वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है, कम्प्लीटली डिटेल आप देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है 2018 जो ओवर हो जाएंगी 31 जुलाई 2018 के बाद में कोई जो है, और कोऑर्डिनेटर जो है ऑल राइट्स रिजर्व करते हैं जेट प्रीपीजी 2018 के लिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी है आगे भी हम आपको देते रहेंगे जेट आईसीआर से रिलेटेड। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को दबाना मत भूलिए। वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जो होगा आपके करियर से रिलेटेड, आपके भविष्य से रिलेटेड, और आपके एजुकेशन से रिलेटेड। दोस्तों लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे।